पुलवामा आतंकी हमले से पूरा देश स्तब्ध और गमगीन है। हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को भोपाल प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस ने हमले को कायराना बताते हुए हमले के दोषी आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। हम पूरे 44 जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, कांग्रेस परिवार की ओर से अर्पित करते हैं। कश्मीर में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, उस हमले में हमारे देश के और हमारी सेना के 44 जवान शहीद हुए हैं। आतंकवादी हमले की जितनी अधिक से अधिक निंदा की जाए वो कम है। ये दुर्भाग्य है कि हमारा पड़ोसी देश हमारे प्रदेश में आतंकवादियों को भेजकर हमारे देश में आतंक फैलाना चाहता है। आज समूचा देश और उसके साथ में हमारी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस दुखद क्षण में उनके परिवारों के साथ हैं। हम उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।